तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आगे कौन है टेक्निकल वीडियो लेकर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि फ्रेंड्स, आप भी अपना अपने घर का जो आवास का वितरण हो रहा है, मतलब आवास निःशुल्क में आवास दिया जा रहा है, यदि आप भी आवास का फॉर्म भरे हैं, यदि आपका अपना आवास पता करना चाहते हैं कि मेरा आवास आया या नहीं आया, कैसे चेक करें अपनी मोबाइल से, आप भी अपनी मोबाइल से घर बैठे आप चेक कर सकते हैं कि मेरा आवास आया या नहीं आया। बस वीडियो को पूरा देखना होगा, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सरल एवं आसान तरीके से बताऊंगा। चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले भाई का नाम जान लीजिए। फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रिंस यादव, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल प्रिंस भैया में। अभी तक यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें, और ऐसे टेक्निकल वीडियो पाने के लिए जुड़ी रही हमारे YouTube चैनल पर। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सब कुछ आपको अपनी मोबाइल में आवाज चेक करके प्रूफ दिखाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए फर्स्टली आपको क्रोम ब्राउजर ओपन करना होगा। यहाँ आपको टाइप करना है, सर्च करना है गूगल। जैसे फ्रेंड्स आप यहाँ गूगल सर्च करेंगे, यहाँ आपको गूगल में सर्च करना है pmayz.nic.in आपको सर्च करना है। जैसे फ्रेंड्स आप इस पर सर्च करेंगे, यहाँ आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे फ्रेंड्स आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ आपको प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, तो आपको इस पर क्लिक करना होगा। जैसे फ्रेंड्स आप इस पर क्लिक करेंगे, आपको इसे यहाँ से कट कर देना है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ आपको मेन मेन्यू का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ आपको इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे फ्रेंड्स आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ आपको आवास सॉफ्ट का एक ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे फ्रेंड्स आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ आपको रिपोर्ट का एक ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे फ्रेंड्स आप रिपोर्ट पर क्लिक करेंगे, आपको सबसे नीचे आ जाना है। यहाँ ये देखिए बेनिफिशियरी डिटेल्स फॉर वेरिफिकेशन, यहाँ आपको इस पर क्लिक करना होगा। जैसे फ्रेंड्स आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ आपको ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ आपको सेलेक्ट करना होगा आपका कौन सा स्टेट है, आपका अपना स्टेट सेलेक्ट कर लेना है। तो जो भी आपका स्टेट है, मेरा उत्तर प्रदेश है, यूपी है, मैं अपना यूपी सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेंटर सेलेक्ट करना है। जो भी आपका ज़िला हो, आपको यहाँ से अपना ज़िला सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ से आपको ज़िला सेलेक्ट करने के बाद, जैसे फ्रेंड्स आप अपना ज़िला सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद यहाँ फ्रेंड्स आपको अपना ब्लॉक सेलेक्ट करना है। आपका जो ब्लॉक होगा, यहाँ आपको अपना ब्लॉक सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको ब्लॉक सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ आपको अपना ग्राम सेलेक्ट करना होगा, जो भी आपके गांव। यहाँ आपको सेलेक्ट का एक और ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ आपको कौन से किस वर्ष का आपका किस वर्ष आपने आवास का फॉर्म भरा था, वो आवास किस वर्ष का है, तो आपको यहाँ इस पर क्लिक करना होगा। तो मेरा ये 2020-21 का है, तो आपको इस पर क्लिक करना होगा। जो भी जिस सन का हो, आपको यहाँ से देख लेना है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ आपको सेलेक्ट पर क्लिक करना होगा, यहाँ आपको प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, इस पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ आपको ये देखिए फ्रेंड्स 77-80, मतलब यहाँ से आपको 77-80, 80 में से अगर 77 में से 80 घटाएंगे तो कितना आएगा, तो सिंपली फ्रेंड्स ये 80 बड़ा है, 80 के आगे माइनस का चिन्ह है, तो यहाँ आपको -3 आएगा। -3 करके आपको सबमिट कर देना है। जैसे फ्रेंड्स आप सबमिट कर देंगे, तो यहाँ ये देखिए फ्रेंड्स आपके ग्राम का जितने जितने लोग का आवास में, ये देखिए फ्रेंड्स जितने लोग का आवास आया होगा, सबका यहाँ आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ ये देखिए फ्रेंड्स, यदि आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं, तो ये देखिए फ्रेंड्स डाउनलोड PDF, डाउनलोड एक्सेल, तो आप जो भी डाउनलोड करना चाहते हैं, यहाँ डाउनलोड PDF पर क्लिक कर देंगे। जैसे फ्रेंड्स आप डाउनलोड PDF पर क्लिक कर दें, तो ये डाउनलोड आपके डाउनलोड हो जाएगा आपके फाइल में। तो ये देखिए फ्रेंड्स, जितने लोग का 2020-21 का आपके गाँव के नाम से जितने लोग का आवास आया है, यहाँ सबका लिस्ट यहाँ जारी होगा। क्या नाम है आपके, किस नाम से आपका आवास का फॉर्म भरा था, यहाँ आपको नाम, और ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ आपको कितना पैसा आया, 1,20,000। ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ कब आया, 18-1-2021। ये देखिए फ्रेंड्स 22-2 फ्रेंड्स लास्ट अमाउंट ट्रांसफर डेट, यहाँ सब आपको डिटेल देखने को मिल रहा है, जितना पैसा आया सब कुछ देखने को मिले। तो यहाँ से यदि आपका नाम है, तो यहाँ से आप भी अपना नाम चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यदि आपका यहाँ नाम नहीं है, तो कुछ दिन के बाद फिर से नई लिस्ट जारी होगी, हो सकता है उसमें आपका नाम हो। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, ऐसे ही आप अपना आवास चेक कर सकते हैं कि मेरा आवास आया या नहीं आया। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। अभी तक यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें, और इसी तरह टेक्निकल वीडियो पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक लिए फ्रेंड्स जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम फ्रेंड्स।